देखो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास एक सेट दिया हुआ है। अब इस सेट में से एलिमेंट आप देखो 1 2 3 4 5, फाइव एलिमेंट हैं, दो नंबर निकालने हैं, तो फाइव एलिमेंट में से अगर दो नंबर निकाल रहे हैं उनको ए और बी बोल रहा है, और बोल रहा है कि ए और बी इक्वल भी नहीं होगा। अब जरा सोचो, जब पहला एलिमेंट यानी पहले एलिमेंट को मैंने स्मॉल ए बोला, अगर उसको मैं निकालूंगा तो उसके लिए मेरे पास पांच चॉइसेज हैं, पांच में से कोई सा भी एक निकाल लो। तो मैंने ये पांच में से कोई सा भी एक निकाला, पांच चॉइसेज हैं, फाइव नंबर ऑफ वेज इन विच दिस नंबर स्मॉल ए कैन बी सिलेक्टेड। अब जब सेकेंड नंबर बी की बारी आएगी ना, तो जो मैं पहले ही सेलेक्ट कर चुका हूं वो तो दोबारा आएगा नहीं, क्योंकि इक्वल वाली कंडीशन की बात यहां पर कर रहा है कि नॉट इक्वल होगा ए और बी। तो इसका मतलब बी के लिए मेरे पास एक चॉइस कम हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 20 टोटल पॉसिबल केसेस इन विच स्मॉल ए एंड स्मॉल बी कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम दीज अवेलेबल नंबर्स इन दिस सेट। अब ये तो फेवरेबल टोटल पॉसिबल केसेस की बात हुई। अब फेवरेबल केस के लिए इसने क्या कंडीशन लगा दी है आपके सामने, ये बोल रहा है कि जो नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हो रैंडम एट रैंडम, उसके लिए ए अपॉन बी जब बनेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक इंटीजर है। अब इंटीजर का मतलब आपको पता ही होगा कि भाई प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, यहां से आप नेगेटिव वाले केस छोड़ दो, ठीक है, ये चलता जाएगा। इनफैक्ट जीरो भी होता है, जीरो वाला केस भी छोड़ दो, यहाँ पर जीरो कुछ है नहीं, तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आपका यहाँ पर बन पाएगा। तो वो पॉजिटिव इंटीजर बनने का मतलब सिंपल सा एग्जांपल आपको समझ ही रहा, समझ आ ही रहा है, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, यही सब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बस 1 2 3 4 5 तक ही दिया हुआ है। तो आपको ए अपॉन बी एक इंटीजर मिलना चाहिए। ये मैंने सेट ए मान लिया है, कैपिटल ए, जिसमें ये जो गिवन आपका जो सेट था 1 2 3 4 5 वो मैंने लिख लिया। अब जैसे कि आपको पता है रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, तो रिक्वायरमेंट है बच्चों हमारी कि ए अपॉन बी आपका एक इंटीजर होना चाहिए। ए अपॉन बी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, ताकि ए और बी आपस में इक्वल ना हो, ठीक है। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ जो केस आपको बोल रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ केस आपको जो बोल रहा है वो मैंने बताया अभी आपको, 5 × 4 20 हो जाएगा। अब फेवरेबल केस की बारी आती है, तो फेवरेबल केस के लिए, तो फेवरेबल केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वेट अ वाइल, मैं कुछ डिफरेंट कलर यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो फेवरेबल केस के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर बात की कि भाई देखो ए की वैल्यू वन तो कभी होगी नहीं, ठीक है, न्यूमरेटर में ए है तो ए वन नहीं होगा, क्योंकि अगर ए वन होगा तो बी को वन होना ही पड़ेगा, तभी वो इंटीजर होगा। अगर बी टू हो गया, डिनोमिनेटर में बी है, बी टू हो गया, बी थ्री हो गया, बी फोर हो गया, बी फाइव हो गया, तो ये 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 बनाएगा और वो इंटीजर होगा नहीं। तो ए अपॉन बी इंटीजर कभी नहीं होगा अगर ए की वैल्यू वन होगी, तो ये भाई फेवरेबल केस में तो ये आएगा नहीं। दूसरा केस लिया कि अगर मान लो न्यूमरेटर में, यानी जो ए है न्यूमरेटर में, जो ये आपका ए है, अगर वो टू हो जाए तो डिनोमिनेटर को पक्का बी होना पड़ेगा, क्योंकि फिर डिनोमिनेटर टू हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर थ्री हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर थ्री हुआ तो ये 2/3 बनेगा, कहां से इंटीजर बनेगा फिर वो। डिनोमिनेटर अगर आपका फोर हुआ, फाइव हुआ, तब भी इंटीजर नहीं बनेगा, क्योंकि 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा, या 2/5 वो भी इंटीजर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ बी की एक ही वैल्यू आ सकती है, यानी 1, तो 2/1 इज एन इंटीजर। तो ये आपका एक फेवरेबल केस तो यहां से तैयार हुआ। ऐसे ही अगर मैं ए की वैल्यू 3 लूंगा तो बी की वैल्यू 1 हो सकती है, बी की वैल्यू 2 नहीं होगी, 3 तो हो ही नहीं सकती, 4 और 5 भी नहीं होगी, तो इन दैट केस ये भी आपका एक ही फेवरेबल केस यहां से बना। टोटल अभी तक दो केस हो चुके हैं। अगले में आता हूं मैं, अगर ए की वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू 4 हुई तो डिनोमिनेटर में 1 हो सकता है, डिनोमिनेटर में 2 हो सकता है, 4/2 आपका क्या 2 हो जाएगा, वो इंटीजर होता है, बट डिनोमिनेटर में 3 नहीं होगा, 4 तो वैसे ही नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा जी, क्योंकि 4/5 या 4/3 ये इंटीजर तो होते ही नहीं है। तो इन दैट केस हमारे पास फेवरेबल केस में 4,1 और 4,2 एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4/1 एंड 4/2 इंटीजर होते हैं, इसलिए। तो यहां से आपके दो फेवरेबल केस बन गए। फिर ऐसे ही न्यूमरेटर में अगर एक की जगह 5 हो तो डिनोमिनेटर अगेन 1 ही हो सकता है, डिनोमिनेटर इसके अलावा 2, 3, 4 या 5 में से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस केस में फिर ये इंटीजर नहीं रहेगा। वैसे भी बी 5 अगर होगा तो वो ए के इक्वल होगा, वो कंडीशन पहले ही मना की हुई है कि ए और बी इक्वल नहीं है। तो इन दैट केस एक और फेवरेबल केस आपका तैयार हो गया। तो टोटल फेवरेबल केस कितने हुए काउंट करो, ये आपका पहला केस हुआ, दूसरा केस हुआ, दो केस यहां से, चार केस हुए, और ये आपका पांचवा केस। तो आपके टोटल फेवरेबल केस 5 हुए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यहां से हम बता चुके हैं, 5 × 4 20 हुआ। परमोटेशन कंसेप्ट है ये, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कह सकते हो। तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हुई कि फेवरेबल केस कितने बने, तो 5, और टोटल पॉसिबल केस कितने बने, तो भाई 20, तो 5/20 यानी 1/4। तो इसके साथ आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा।